is Dr. Rajesh Mourya. Again, we are here with this model active liver, and we take a must, should must, can, could, ये सब बहुत से हैं. तो एक एक करके मैं पढ़ा रहा हूँ, और इतनी नाम से पढ़िए और अच्छे अच्छे समझिए उसको जो पढ़ा रहा हूँ. मस्ट जो है वो सूट की जगह कभी कभी प्रयोग होता है, और लेकिन सूट और मस्ट में दोनों में अंतर ये है कि मस्ट थोड़ा ज़्यादा फोर्सफुल है. ये कंपल्सर दिखाता है, जरूरी होना दिखाता है. तो यू शुड गो एंड यू मस्ट गो, तो मस्ट में फोर्स होता है. तो इसी एक तो ये बेसिक डिफरेंस है. इसके बाद जो इसके तरह तरह के मीनिंग्स निकलते हैं उसको हम देखेंगे, और एक एक करके हम देखें. आप इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कोई बात नहीं. तो लेट अस सी, द फर्स्ट इज द असाइनमेंट मस्ट बी सबमिटेड टुमारो. तो मस्ट असाइनमेंट मस्ट बी सबमिटेड टुमारो. तो असाइनमेंट कल तक जरूर से जमा हो जाना चाहिए, जरूर से जमा होना चाहिए. दिस इज कंपल्सन है. असाइनमेंट मस्ट बी सबमिटेड टुमारो. और दूसरा है, यू मस्ट नॉट टेल अ लाई. तो ये हाँ, झूठ नहीं बोलना चाहिए. तो ये ऑब्लिगेशन है. ऑब्लिगेशन मतलब होता है समाज के प्रति हमारा जो उत्तरदायित्व होता है, कि समाज को अक्षुण रखने के लिए जो कार्य करते हैं उसको ऑब्लिगेशन बोलते हैं. तो यू मस्ट नॉट टेल अ लाई का मतलब होता है आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए. तो ये जो है ऑब्लिगेशन है, मस्ट से ऑब्लिगेशन का भी बोध होता है. अगेन थर्ड, आई मस्ट रिपे द मनी. तो हमने कहीं से पैसा उधार लिया है और हमको जरूर दे देना चाहिए. ये दृढ़ता है, डिटर्मिनेशन मतलब होता है दृढ़ता. दैट यू आर डिटरमाइंड टू पे बैक द मनी. यू आर डिटरमाइंड टू पे बैक द मनी. तो अगर ये ऐसा कहा जाए कि आई मस्ट रिपे, रिपे मतलब होता है जो लिया है उसको दे देना. आई मस्ट रिपे द मनी. तो ये डिटर्मिनेशन दृढ़ता बताता है. अगेन वी गो, वी मस्ट हैव इंसाइटेड है. इंसाइटेड मतलब उकसाना. यू मस्ट हैव इंसाइटेड है, अदरवाइज शी कुड नॉट फ्लेयर अप. आपने जरूर उसको उकसाया होगा, नहीं तो वो गुस्सा नहीं होती, इतना गुस्सा नहीं होती. तो यू मस्ट हैव बीन साइटेड है का मतलब आपने जरूर उकसाया होगा. तो ये बताता है सर्टेनिटी, क्योंकि रिजल्ट देख कर बता कोई बता सकता है कि आपने ये किया होगा तो ये हो रहा है. तो सर्टेनिटी है. अच्छा, अगर नेक्स्ट, द टीचर मस्ट अनाउंस द डेट ऑफ द टेस्ट एज पर शेड्यूल. तो टीचर मस्ट अनाउंस द डेट ऑफ द टेस्ट. जो क्लास में टेस्ट होते हैं, जो टीचर की ड्यूटी होती है कि वो अनाउंस कर दे बच्चों को दो सप्ताह पहले इस दिन को टेस्ट होगा. तो द टीचर मस्ट अनाउंस, तो इसका मतलब हो गया अपनी ड्यूटी के लिए. ये ड्यूटी हुआ, मस्ट जो है ड्यूटी हुआ जाता है. यू मस्ट डू दिस थिंग, इट इज योर ड्यूटी, यू मस्ट डू. द टीचर हैज ड्यूटी टू अनाउंस द डेट एंड ही मस्ट अनाउंस. अगेन सिक्स में, द एग्जामिनेशन फॉर्म मस्ट बी अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ये सिक्स जरूरी, हमने बताया जरूरी होता है, जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म्स होता है उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर से अरेंज करना होता है. अल्फाबेट का मतलब ए बी सी के आधार से. ये जरूरी कार्यक्रम है जिसको कि हम नेसेसिटी बोलेंगे. ये जरूरी होता है कि किसी फॉर्म को आप ऐसे ही ट्रेंडम नहीं जमा कर सकते. यू हैव टू कीप इन ऑर्डर एंड देयरफॉर द एग्जामिनेशन फॉर्म मस्ट बी अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. और
नेक्स्ट है कि हम देखेंगे ये कि यू मस्ट नॉट ओवर एक्ट। जब किसी को हम जो है हम मना भी कर सकते हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं अब उनको मना कर दिए, यू मस्ट नॉट ओवर ईट, तुमको ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। और भी आप डांट सकते हैं, यू मस्ट नॉट ओवर एक्ट, तुम ज़्यादा ओवर एक्टिंग नहीं करो। कुछ लोग ओवर एक्ट करते हैं, तो यू मस्ट नॉट ओवर एक्ट, तो इस तरह से आप कह सकते हो, यू मस्ट नॉट ओवर एक्ट, यू मस्ट नॉट ओवर ईट, यू मस्ट नॉट डू ऐसे। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द सीक्रेट बाई नाउ, ये डिडक्शन होता है। डिडक्शन का मतलब आज इसके पहले आप कुछ कर रहे होते हैं, कुछ समझा रहे होते हैं, तो लास्ट में आप कहते हैं कि यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द सीक्रेट बाई नाउ, आप जो है आप समझ गए होंगे जो हम बताना चाह रहे थे। तो ये लास्ट में डिडक्शन का मतलब होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम इस चीज़ का प्रयोग करते हैं, जब हमने सारी चीज़ें बता दी और कन्फर्म होने के लिए ये जरूर कहते हैं कि यू मस्ट हैव अंडरस्टूड फाइंड आउट व्हाट आई मेंट टू यू। तो दिस इज अनदर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग मस्ट। तो मस्ट से हम बहुत सा चीज़ सीखते हैं, जरूरी है, ऑब्लिगेशन है, डिटर्मिनेशन है, सर्टेनिटी है, ड्यूटी है, नेसेसिटी है, और प्रोहिबिशन है। प्रोहिबिशन मतलब मना करना, डिडक्शन है। तो ये सारी चीज़ें गाइस हम मस्त से सीखते हैं, आप भी प्रैक्टिस कीजिए और इसको आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि और किस तरह से आप सीखना चाहते हैं। हम अगले एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू।